हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 23 तारीख का करंट अफेयर्स 24 तारीख के लिए। 23 का हुआ है, 24 के लिए देखेंगे। वो जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे इसमें, जो पीसीएस और यूपीएससी के हिसाब से जरूरी हो। प्रथम शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सी एन राव को शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें मटेरियल रिसर्च के लिए सेंटर फॉर एडवांस मटेरियल यूएई की यह संस्था है, संयुक्त अरब अमीरात की संस्था है, उनको दिया गया है पहला शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये जो शेख सौद है वहाँ के राजा हैं अभी। सी एन राव को इसके पहले पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे पुरस्कार मिल चुके हैं। इन्होंने 50 से अधिक किताबें भी लिखी हैं, तो बहुत ही जाने माने भारतीय वैज्ञानिक हैं। पद्म भारत रत्न मिल चुका है तो फिर क्या। तो इनको प्रथम शेख सौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है मटेरियल रिसर्च के लिए, जो यूएई की संस्था है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये है कि सी विजिल 2019, अच्छा आप इसको वेबसाइट पे जाके पढ़ भी सकते हैं आराम से, भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास। और कल परसों से मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा, आज तो नहीं हो पाएगा, कल परसों से। सी विजिल 2019, भारतीय नौसेना का अभी तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास सी विजिल 2019 प्रारंभ हो गया है। इट मीन्स का मतलब इसके जो 26/11 की जो घटना हुई थी उसके बाद का ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। 2 दिवसीय होगा और इसमें बहुत सारे, एक सिर्फ इसमें नौसेना ही नहीं है बल्कि इसके अंदर रक्षा मंत्रालय के अलावा गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कस्टम, मत्स्य पालन और राज्य सरकार भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा इस युद्धाभ्यास का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, ऑपरेशनल, टेक्निकल और प्रशासनिक स्तर पे क्षमताओं की जाँच करना, कहाँ कमी हो रही है या कौन सा मजबूत पक्ष है उसको देखना। क्योंकि एक बार जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय सेनाओं के मध्य जो सामंजस्य होनी चाहिए थी, जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी प्रॉपर, उसका एक लीकेज देखा गया था। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा। इसके अलावा जब 26/11 की घटना हुई थी उस समय भी सुरक्षा एजेंसी और खुफिया एजेंसी के बीच कनेक्टिविटी को लेकर शिकायत की गई थी कि कहीं ना कहीं इसका चूक है, इसलिए इन सब चीजों को इसमें चेक किया जाएगा। और याद क्या रखना है, ये जो अभ्यास में इतने सारे लोग शामिल हैं, न्यायिक पद के लिए यहां पे एक चीज लिख दिया गया, आप ध्यान रखना, दृष्टिबाधित सीमा के अलावा सुनने वाली जो सीमा है यानी विकलांगता, जो दृष्टिबाधित या कम या सुनने वाली हो, वो 50% निर्धारित की गई है न्यायिक अधिकारी पद के लिए। हुआ क्या था, एक जो भी आवेदन करता था उसको 70% उसकी दृष्टि बाधित थी, उसने अप्लाई किया, मद्रास हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को कंटिन्यू रखा और कहा कि ये जो कोर्ट का मामला है वहाँ कम से कम लिखने और सुनने की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए, अगर बहुत ही ज़्यादा विकलांगता है तो फिर वो डिसीजन लेने में या चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी, इसीलिए इन्होंने दृष्टिबाधित और सुनने वाली की जो सीमा है वो 40% को तार्किक और उचित माना। और ये मामला मद्रास हाईकोर्ट का था जो सुप्रीम कोर्ट में आया, और मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू रखा है। वर्तमान में क्या है कि जो 40% जो पैमाना रखा गया है विकलांगता का, उसका 40% से ज़्यादा किन्हीं कोई विकलांग है तो उनको रिजर्वेशन उसके अकॉर्डिंग मिलता है। इंदु शेखर झा को विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ दो फैक्ट जुड़ा हुआ है। वो पहला ये, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया। सवाल है कि क्यों किया, क्योंकि वही वो लाल किला है जहाँ पे आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा चला था। तो पहले तो ये, और उसके बाद ये जो उद्घाटन हुआ है ये कब हुआ है, 122वीं जयंती, सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती 23 जनवरी 2019 को मनाया गया। तो इसी दिन के उपलक्ष्य में इसको संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में क्या है कि सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तिगत
जो भी उन्होंने सामान का यूज़ किया वो, और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित वस्तुओं को इसके अंदर रखा गया है। और इसमें नेताजी के द्वारा यूज़ की गई कुर्सी, तलवार, कपड़े और आज़ाद हिंद फौज की वर्दी, ड्रेस, बैच और भी जो भी इससे संबंधित चीज़ें हैं वो यहाँ रखी गई है। और ये जो संग्रहालय है वो एक मंजिला नहीं बल्कि 3 मंजिला संग्रहालय है। और सुभाष चंद्र बोस के स्कूली जीवन से ही, जो उनके अंतिम जीवन जो माना जाता है, वहाँ तक की वस्तु सहज के रखी गई है। और यहाँ ऑडियो, वीडियो और मल्टीमीडिया का यूज़ किया गया है ताकि लोग इसे सुन सकें। अभी हाल ही में क्या हुआ, अभी हाल ही में 75वां सालगिरह मनाया गया। किसका? तो अंडमान और निकोबार में जब आज़ाद हिंद, उनकी जो आज़ाद हिंद फौज थी उसने, आज़ाद हिंद फौज थी तो सुभाष चंद्र बोस ने झंडा फहराया था, तो उसका 75वां सालगिरह मनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी साहब गए थे, एक वीडियो भी वायरल हुआ था इसको लेके। तो वहाँ पे जाने के बाद जब इन्होंने दौरा किया तो वहाँ के 3 द्वीप का नाम बदल दिया गया है। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और UPSC की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो फिर देखो UPSC में क्या होता है। जैसे अब ये अंडमान निकोबार चर्चा में आ गया, तो अंडमान निकोबार का कोको जलमार्ग या अंडमान निकोबार जावा या सुमात्रा से कैसे अलग होता है, कितने द्वीप हैं, ग्रेटर अंडमान या लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है, तो इस तरह की चीज़ों का पूरा जो फैक्ट का जमावड़ा है ये क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि अचानक से कैसे पूछ दिया, इसीलिए पूछ दिया कि ये अभी चर्चा में है तो ये पूछा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो रॉस द्वीप, इसका नाम सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया गया है, रॉस द्वीप का नाम बदल के सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया गया है, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया है, और नील द्वीप का नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया गया है। तो ये फैक्ट आप लोग याद कर लेना अच्छे से कि सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम कौन सा है, और वो रॉस द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार के किस हिस्से में आ रहा है, हैवलॉक कहाँ आ रहा है, नील द्वीप कहाँ आ रहा है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। उसके बाद नेपाल सरकार ने भारत के 100 से अधिक मूल्य के नोट को अपने देश में अवैध कर दिया है, यानी लिखा होगा। अब 100 रुपये से अधिक मूल्य के नोट नेपाल में नहीं चलेंगे। नेपाल में क्या होता था, जो मधुबनी या दरभंगा, मधुबनी का जो हिस्सा है नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ, या रक्सौल का हिस्सा जो लगा हुआ है, बिहार का तो बहुत लंबी जो बाउंड्री है वो नेपाल से लगी है, तो वहाँ पैसों का ब्लैकमेलिंग बहुत होता था। तो और इसके कारण जो नेपाल की अर्थव्यवस्था है उसमें दिक्कत आ रही थी। वहाँ भी 500 और 2000 के नोट नकली भी पहुँच रहे थे और इसके कारण दिक्कत हो रही थी। तो नेपाल सरकार ने ये कहा है कि 100 रुपये से अधिक के नोट हम नेपाल के अंदर नहीं चलेंगे, यानी 100 रुपये से ज़्यादा की करेंसी वहाँ चेंज भी नहीं की जाएगी नेपाली करेंसी में। तो जो भी 500 के नोट, 200 के नोट या 2000 के नोट है वो अब नेपाल में बंद हो जाएंगे, नेपाल में वो नहीं चलेंगे, केवल 100 रुपये के नोट का ही लीगल ट्रांजेक्शन वहाँ हो सकता है। विश्व आर्थिक फोरम 2019 की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका आंसर होगा दाबो स्विट्जरलैंड। रोजर पार्कर्स टेल ब्लेजर अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है गुरिंदर सिंह खालसा साहब को किया गया है। ये इसीलिए किया गया है कि ये अमेरिका में सिख पगड़ी से संबंधित नियम बदलवाने में सफल हुए थे। एक बार ये जब एयरपोर्ट पे जा रहे थे तो इनको हवाई जहाज़ पे नहीं चढ़ने दिया क्योंकि ये पगड़ी पहने हुए थे, तो इन्होंने हवाई जहाज़ से छोड़ी दी और अंतिम इसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ा और सुप्रीम कोर्ट को वापस होना पड़ा, इन्होंने लड़ाई लड़ना पड़ा और अमेरिका में कानून को बदलना पड़ा। अब सिख पगड़ी पहन के आराम से नौकरी भी कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, तो इस तरह के चेंजिंग करने के कारण इनको ये अवार्ड मिला है। अरब आर्थिक एवं सामाजिक शिखर परिषद 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन बेरूत में किया गया है और इसका जो अगला सम्मेलन होगा वो मॉरिटानिया में होगा। इस सम्मेलन के बाद बेरूत घोषणा पत्र जारी किया गया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन उसमें जो मेन था वो था अरब मुक्त व्यापार क्षेत्र की एक अनुशंसा की गई। उसके बाद अरब में शरणार्थी संकट का समाधान,
अरब में शरणार्थी संकट बढ़ता जा रहा है जिसके कारण डिसबैलेंस आ रहा है, तो उसका समाधान हो और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शरणार्थियों के शरण देने वाले देशों को मदद करने का भी आग्रह किया गया, यानी जो देश मदद कर रहे हैं उनको हेल्प किया जाए। और अरब में भी कुछ ऐसे देश हैं जो शरणार्थियों के कारण बहुत सारे दबे जा रहे हैं। 26 जनवरी 2019 हमारा गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। कोशिश रहेगी किस तरह की करंट अफेयर्स जितनी ही हो पाए कम से कम रोज जाए आपके पास, ताकि आप उसको आराम से रिवाइज कर सकें।